हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में रजनीश किचन। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे लहसुन लच्छा परांठा। ये काफ़ी अच्छी रेसिपी है और इस समय आप बाहर का नहीं खा सकते, रेस्टोरेंट का मंगवाने में अभी डेंजरस है, तो आप ऐसी सिंपल सी रेसिपीज़ घर में बना के आप अपने आप इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी के साथ। तो यहाँ पर हमने 2 कप आटा लिया है, ये सिंपल व्हीट फ्लोर है, ये 2 कप के आसपास है, और हम उसमें 1/2 चम्मच नमक डालेंगे। फिर हमने इसमें 2 से 3 चम्मच तेल डालेंगे, ये सिंपल रिफाइंड ऑयल है। फिर हमने इसे अच्छी तरह मिक्स करना है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसे पानी डाल के गूंदेंगे। आपने इसको ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा लूज गूंदना है, आपने इसे नॉर्मली गूंदना है, जैसे हम सिंपल रोटी के लिए आटा गूंदते हैं, एकदम परफेक्टली गूंदा होना चाहिए। फिर आपने इसे 10 मिनट के लिए ऐसे आपने इसको मसाज करनी है, इसको आपने 10 मिनट के लिए अच्छी तरह गूंदना है। दस मिनट आपने गूंदने के बाद फिर इसको हमने कुछ आधे घंटे के लिए एटलीस्ट रेस्ट में रख देना है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं आटे की कंसिस्टेंसी कैसी है। तब हम आगे इसकी तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले हमने प्याज लिया है, ये 1 छोटा प्याज है। फिर हमने 1 गड्डी लहसुन की ली है, उसी के साथ हम इसमें 2 मिर्च डालेंगे। यहाँ पे मैंने लाल मिर्च ली है, ये एकदम ताजी लाल मिर्च है, आप हरी मिर्च भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी दौरान आप इसमें धनिया और पुदीना भी डाल सकते हैं। मैं धनिया और पुदीना डालना इस समय भूल गई थी, तो मैंने आपको बाद में दिखाया है पुदीना डालते हुए। तो जैसे आप देख सकते हैं अभी एकदम बारीक कट चुका है। तो हमने यहाँ पर बटर मेल्ट करके रखा हुआ है, ये फ्रेंड्स बटर एंड घी मिक्स है थोड़ा सा। फिर जो हमने इसको अच्छी तरह बारीक काटा है उसको हम इसमें मिक्स कर देंगे। इसे अच्छी तरह मिक्स कर दे पहले आप। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने पुदीना डालना भूल गई थी, तो मैंने अब दिखाया है पुदीना डालते हुए। आप इसमें धनिया भी डाल सकते हैं, इस वेदर में धनिया मिलना काफ़ी मुश्किल है, तो मैंने धनिया यहाँ पे स्किप कर दिया है। आप अदरवाइज धनिया भी डालें, उसका भी फ्लेवर काफ़ी अच्छा आएगा इसमें। तब हमने पुदीना भी डाल दिया है। तो अभी ऑलमोस्ट बनके तैयार हो चुका है। अब हम इसमें 1/4 चम्मच हम इसमें डालेंगे नमक। तो फ्रेंड्स, याद रखिए हमने आटा गूंदते समय भी नमक डाला था, तो इसमें हम नमक थोड़ा सा कम ही डालेंगे। तो आटे को रेस्ट करते हुए 1/2 घंटा हो चुका है, तो अब हम इसमें से 1 बड़ा सा पेड़ा लेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसको हमने गोल गोल घुमा देना है अच्छी तरह। फिर हमने आटे में इसे अच्छी तरह कोट कर देना है इसे हमने आटे से। फिर हमने इसकी पतली सी बड़ी सी रोटी बनानी है, जैसे कि आप अभी देखेंगे। तो आप अभी जो बेल रहे हैं इसमें आपको कोई शेप का ध्यान नहीं रखना, क्योंकि उसके बाद हम शेप का ध्यान रखेंगे कि उस समय गोल शेप आए। बट इस दौरान आप कोई सी भी शेप का ध्यान ना रखें, बस ये ध्यान रखें कि ये बड़ी रोटी बननी चाहिए और पतली होनी चाहिए एकदम ही, जैसे कि आप देखेंगे। जैसे आप देख रहे हैं हमने काफ़ी बड़ी रोटी बना दी है और एकदम पतली है। तो अब हमने जो फिलिंग बनाई थी बटर की, हम उसको अच्छी तरह स्प्रेड करेंगे इसमें पहले। जो बटर में लहसुन और मिर्च का प्याज का फ्लेवर इतना अच्छी तरह आ चुका होगा कि आपको जरूरत नहीं कि आप ज़्यादा डालें। पुदीने का भी फ्लेवर काफ़ी अच्छा आया होगा। तो अब हमने अच्छी तरह इसे स्प्रेड कर दिया है, तो अब हम इसमें थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल करेंगे ऊपर से। जैसे आप देख रहे हैं हमने रफली हाथों से ऐसे करके स्प्रिंकल कर दिया है, फिर हमने उसे हाथों से अच्छी तरह फैला देना है।
फिर जैसे कि हम फैन बनाते थे बचपन में फोल्ड करके, हमने उसी दौरान हमने इसको भी फोल्ड करते रहना है। जैसे कि आप देख रहे हैं, आपने इसे एकदम ऐसे ही फोल्ड करना है और इसे थोड़ा सा ऐसे प्रेस कर देना है। फिर हमने इसे रोल करना है, ऐसे रोल करके हमने इसे थोड़ा सा प्रेस कर देना है। फिर हमने इसे वापस आटे से कोट कर देना है, जिसे बेलते समय ये चिपके ना नीचे फ्लोर में। इसे आप पहले थोड़ा सा हाथों से ऐसे कर दें, दबा दें। आपको जब जब जरूरत पड़ेगी कि इसको आटे की जरूरत है लगाने की, तो आप उस समय इसमें सूखा आटा लगाएं। तो जैसे कि आपको बेलते समय भी फ्रेंड्स दिख रहे हैं कि इसके गोल गोल लच्छे हमें दिखाई दे रहे हैं, तो इसको आप एकदम आराम से बेलें और हल्के हाथों से आपने इसको बेलना है। इसमें तेज चकला ना घुमाएं। तो हमने तवा भी पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था, तब हम इसमें जो परौंठा बनाया था हम वो रख देंगे। जैसे ही परौंठा नीचे से पक जाएगा, थोड़ी से नीचे से ब्राउन स्पॉट्स आ जाएंगे, तब हम इसे पलट देंगे। उससे पहले इसे ना पलटें, क्योंकि ये काफ़ी सेंसिटिव परौंठा है, ये फट भी सकता है एकदम से। तो इसे आप काफ़ी आराम से बनाएं। तो हमने इसके ऊपर अब ऑयल लगा देना है, आप ऑयल या घी कुछ भी लगा सकते हैं। हमने इसको दोनों जगह अच्छी तरह ऑयल से लगा के हमने इसे दोनों जगह से फ्राई कर देना है। तो जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि नीचे से भी अच्छा फ्राई हो चुका है, ऊपर से भी अच्छा फ्राई हो चुका है और हमारे लच्छा परांठा बनके भी तैयार हो चुका है। सो थैंक यू फ्रेंड्स मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।